तो फाइनली आदा खान के एंट्री से नागिन सीजन 6 की थोड़ा सा टीआरपी इंक्रीज हो गया है। हे गाइस कैसे हैं आप लोग, आ गई है 2023 की वीक सेकंड की बीएआरसी की टीआरपी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फेवरेट शो और कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो नागिन सीजन 6 को इस हफ्ते क्या टीआरपी रेटिंग्स हासिल किया है, और हम बात करेंगे कलर्स टीवी के कौन से शो ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा टीआरपी लाकर बन गया है कलर्स टीवी के नंबर वन शो। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तेजस्वी प्रकाश महक सहल आदा खान स्टारर शो नागिन 6 को ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं, पर इस शो को लास्ट फ्यू वीक से टीआरपी इतना ज्यादा कुछ खास नहीं मिल रहा था, लेकिन इस हफ्ते इस शो का थोड़ा सा टीआरपी इंक्रीज देखने को मिला है, जहां पर इस शो में आदा खान की एंट्री के बाद टीआरपी निकल कर आया है 1.7, जहां पर लास्ट थ्री वीक से इस शो का टीआरपी सिर्फ 1.6 निकल कर आ रहा था, लेकिन इस हफ्ते इस शो ने कमाल कर दिया है, 1.7 की टीआरपी हासिल किया है, जहां पर इस हफ्ते आपके फेवरेट नागिन सीजन 6 है कलर्स टीवी के नंबर सेकेंड के पोजिशन पर, जहां पर ये बीआरसी के टॉप 10 से तो बाहर है, लेकिन नंबर 12 के पोजीशन पर आ गया है 1.7 की बढ़ती हुई रेटिंग्स पॉइंट्स के साथ। अभी हम बात करेंगे कलर्स टीवी के ऑल शोज की इस हफ्ते के बीआरसी की टीआरपी, जहां पर इस हफ्ते बिग बॉस 16 है नंबर 1 के पोजीशन पर। अभी हम बात करेंगे ऑल सीरियल्स की टीआरपी। बात करेंगे हम पहले शो से। इस हफ्ते ससुराल सिमर का सीजन 2 की टीआरपी है 0.9, जहां पर इस शो का लास्ट वीक भी टीआरपी 0.9 ही निकल कर आया था, जहां पर 6 बजे के टाइम स्लॉट पर इस शो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साबी की सवारी की टीआरपी है 1.3, जहां पर इस शो का लास्ट वीक टीआरपी 1.4 निकल कर आया था, तो इस शो का टीआरपी इस हफ्ते कम हो गया है। उदारिया की टीआरपी है 1.5, जहां पर इस शो का लास्ट वीक 1.7 निकल गया था, तो इस शो का टीआरपी डिक्रीज हो रहा है। परिणीति की टीआरपी है 1.5, इस शो का भी टीआरपी कम हो गई है, जहां पर इस शो का लास्ट वीक टीआरपी 1.6 निकल कर आया था। धर्मपत्नी की टीआरपी है 1.1, जहां पर इस शो का भी टीआरपी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, लास्ट वीक 1.3 की टीआरपी निकल कर आया था। दुर्गा और शाहरुख की टीआरपी है 1, इस शो का भी टीआरपी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, जहां पर इस शो में हर एपिसोड में ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है, उसके बाद भी टीआरपी बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। शेरदिल शेरगिल की टीआरपी है 0.8, इस शो का टाइम स्लॉट चेंज करने के बाद टीआरपी बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, इस हफ्ते 0.8 की टीआरपी निकल कर आया है। पिशाचिनी की टीआरपी है 0.8, जहां पर पिशाचिनी सीरियल ऑफ ईयर भी चला गया है, इस शो का टीआरपी 0.8 निकल गया है। नागिन सीजन 6 का टीआरपी निकल कर आया है 1.7, जहां पर नागिन 6 की इस हफ्ते टीआरपी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लास्ट वीक टीआरपी 1.6 निकल कर आया था। बिग बॉस 16 की टीआरपी है 2.2, जहां पर बिग बॉस 16 का इस हफ्ते हाईएस्ट टीआरपी निकल कर आया है, जो कि है 2.2 की टीआरपी। तो बिग बॉस 16 बहुत ही ज्यादा कमाल कर रहा है। तो ये है कलर्स टीवी के ऑल शोज की टीआरपी, जहां पर बिग बॉस 16 है नंबर 1 के पोजीशन पर, नंबर 2 के पोजीशन पर है नागिन सीजन 6, नंबर 3 के पोजीशन पर है उदारिया और परिणीति। तो इन शोज में से आपको कौन सा शो देखने में सबसे ज्यादा पसंद आता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।